तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका जो है मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को एक जो है हायर का बेस्ट जो है रेफ्रिजरेटर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आपको डबल डोर के साथ मिलता है। अगर आप भी इस गर्मी सीजन में बेस्ट रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसका प्राइस क्या होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका अनबॉक्सिंग हम कर लिए हैं। तो इसमें जो है क्या क्या फीचर्स मिलता है सो हम आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं दोस्तों। और ये जो मिलता है आपको, ये हायर का जो है, इसमें आपको ग्लास नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें ग्लास डोर नहीं है, नहीं तो और जो इससे फर्स्ट पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। वो जो है हम आपको ग्लास का जो है पूरा जो है फ्रंट में आपको ग्लास लगा हुआ, उसका हम अनबॉक्सिंग और पूरा ऑल इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो है आपको इसमें ग्लास नहीं मिलता है, ठीक है, मगर ये आपको जो है दोस्तों ये आपको कंफर्टेबल फ्रिज मिलता है। और ये 2 स्टार के साथ आता है हमारे, इसका भी आपको डिजाइनिंग अच्छा है, फ्लावर डिजाइन है, देखिए। और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है चलिए वो हम आपको बताते हैं। और ये जो है आपको रेफ्रिजरेटर, ये मार्केट में कितना मिल रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप भी एक जो है बेस्ट रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 2 स्टार रेटिंग के साथ आता है। देखिए दोस्तों, डबल डोर जितना भी फ्रीज आता है रेफ्रिजरेटर आपको 2 स्टार से 3 स्टार तक ही आता है, क्योंकि 2016 के बाद आपको 5 स्टार कंपनी बनाना बंद कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको लास्ट जो है 3 स्टार तक ही डबल डोर आता है, और सिंगल डोर लीजिएगा तो आपको 5 स्टार तक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो आपको स्टार रेटिंग का मतलब पता होना चाहिए, अगर कभी भी रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टार रेटिंग का मतलब होता है बिजली का सेविंग, ठीक है, एनर्जी सेविंग। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 236 यूनिट्स जो है, यूनिट्स पर ईयर। एक साल अगर इसको कंटिन्यू चलाएगा, 365 दिन कंटिन्यू चलाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 236 यूनिट जो है बिजली आपको खपत करेगा, 236 यूनिट्स बिजली आपको खपत करेगा एक साल कंटिन्यू चलाने पर आपको इतना बिजली जो है ये खपत करेगा। ये 3 स्टार रहता तो थोड़ा आपको इससे बिजली कम खपत करता। देख लीजिए इसका लेबर पीरियड है 1 जनवरी 2020 में ये आपको लॉन्च हुआ था मॉडल, और 30 जून 2022 का ये आपको मैन्युफैक्चर है। अप्लायंस रेफ्रिजरेटर ब्रांड जो है हायर का है, ठीक है। मॉडल देखिए यहाँ पे इसका लिखा हुआ है HRF-2783। ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों परचेस कर सकते हैं, और हम इसका जो है लिंक डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो और ये टाइप जो है फोर्स फ्री टाइप है, इसका जो कूलिंग करने का तरीका है। ग्रॉस वैल्यूम 258 लीटर, 258 लीटर्स इसका ग्रॉस वैल्यूम है, और स्टोरेज वैल्यूम जो है 235 लीटर। ये सब समझ जाइए, मतलब टोटल जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं आप 235 लीटर इसका टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड नंबर 1 रेफ्रिजरेटर 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज है। ये देखिए आपको कन्वर्टेबल मिलता है, वो भी 5-in-1 कन्वर्टेबल मॉडल, ठीक है। 5 स्टार परफॉर्मेंस देखिए, 2 स्टार है,
ठीक है, मगर ये आपको 5 स्टार जितना परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, 2 स्टार है मगर ये 5 स्टार जितना आपको परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि टून एनर्जी सेविंग मोड के साथ आपको ये रेफ्रिजरेटर मिलता है। यहाँ पे देखिए, अप टू 12 आवर्स कूलिंग ड्यूरेशन, मतलब अगर इसमें जो है आपको जैसे बिजली चला भी जाता है, अगर इसमें लाइट है और जो है आपका घर में जो है लाइट कटा हुआ है, फिर भी आपको जो है 12 घंटा तक, ठीक है, 12 घंटा तक ये आपको बिना बिजली का भी ये कूलिंग रहेगा। कॉन्टैक्ट होम इन्वर्टर, घर के इन्वर्टर पर भी आप इसे वर्किंग कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं। आप देखिए 10 ईयर वारंटी इसमें आपको दे रहा है, 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर एंड फैन मोटर। इसमें एक कंप्रेसर रहता है और एक फैन मोटर रहता है, तो उसका आपको जो है इसमें 10 ईयर वारंटी दे रहा है। ठीक है, 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर एंड मोटर, जो कि होम सर्विस है, इसमें 1 ईयर, 1 साल जो है ऑल प्रोडक्ट वारंटी देगा, इंटरनल फूटने का वारंटी आपको कंपनी नहीं देता है। ठीक है, तो 1 ईयर जो है ऑल प्रोडक्ट और 10 ईयर कंप्रेसर एंड मोटर वारंटी। तो किसी भी रेफ्रिजरेटर कभी भी परचेस कीजिएगा तो उसका मेन पार्ट होता है कंप्रेसर, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया कंप्रेसर, इसी का आपको 10 ईयर वारंटी मिलता है। मेन काम जो है रेफ्रिजरेटर का यही करता है, यही जो है आपको गैस को कंप्रेस करके कूलिंग ठंडा करता है। ठीक है, तो 10 ईयर कंप्रेसर रहता है और जो पीसीबी बोर्ड रहता है उसका 1 ईयर वारंटी आपको रहता है। इसका हाइट भी अच्छा है, आपको 5 फीट 3 इंची इसका हाइट है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर का, और कलर भी बेस्ट मिलने वाला है, और हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है खूबसूरती के साथ, यहाँ पे हायर का लोगो भी आपको इसके साथ मिल जाता है। और देख लीजिए यहाँ पे आपको कन्वर्टेबल भी लिखा हुआ है, तो बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता होगा तो रेफ्रिजरेटर ले तो नॉर्मल या कन्वर्टेबल, नॉर्मल या कन्वर्टेबल क्या होता है, कन्वर्टेबल में जो है आपको फ्रीजर को जो है फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला जो होता है डबल डोर में फ्रीजर है और नीचे वाला जो है फ्रिज है, तो आप इसमें जो है फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यही कन्वर्टेबल मॉडल होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए हम दिखा देते हैं, ये जो देखिए अंदर में भी लिखा हुआ कन्वर्टेबल मॉडल, तो कन्वर्टेबल में मतलब इसका जो टेम्परेचर रहता है आपको -डिग्री सेल्सियस में रहता है और इसका जो है आपको प्लस में रहता है। ठीक है, ये देखिए इसका जो है प्लस में टेम्परेचर रहता है, तो ऊपर वाला को कहता है फ्रीजर, ठीक है, और नीचे वाला को फ्रिज, ऊपर वाला हो गया आपको फ्रीजर, नीचे वाला हो गया फ्रिज। तो आप इसका जैसे आपके घर में पार्टी फंक्शन है तो अगर इसमें पूरा जो है आपका वेजिटेबल से फुल हो चुका है और कुछ इसमें रखना है जैसे वेजिटेबल, तो इसका टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसमें नहीं रख सकते थे पहले, मगर ये न्यू मॉडल में है कन्वर्टेबल में, तो इसका टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर चेंज कर दीजिएगा तो जैसे जितना कूलिंग इसमें करेगा उतना ही कूलिंग इसमें भी करेगा, तो फ्रीजर को आप फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही है आपको कन्वर्टेबल में जो है आपको फैसिलिटी देता है कंपनी। अब प्लस में देख लीजिए, इसमें जो है आपको जो इसका कंप्रेसर लगा रहता है तो वो आपको इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कि आपको बिजली का सेविंग बहुत अच्छा करता है। जैसे एसी है लीजिएगा तो उसमें भी आपको एक कन्वर्टेबल आता है, सॉरी एक इन्वर्टर आता है, एक नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर आपको बिजली का बचत कर देता है और नॉन इन्वर्टर बिजली का थोड़ा अधिक खपत कर देता है। ठीक है, पर कंटिन्यू चलाइएगा तो ही, तो इसे आप कंटिन्यू चलाइएगा तो आपको ये बिजली सेविंग करेगा, 5 स्टार जितना परफॉर्मेंस आपको ये 2 स्टार में ही देने वाला है। दोस्तों इसका प्राइस क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको दे रहा है सो हम देख लीजिए, नॉर्मली है वही सब, कैसे कैसे इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बड़े साइज का बोतल रखने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, 2 से 3 लीटर का जो बोतल आता है उसे आप रख सकते हैं पानी का, छोटा छोटा बॉक्स दे दिया गया है यहाँ पे, इस सब में भी है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए ऊपर वाला में आइस जमाना हो, बर्फ जमाना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कंट्रोलर सिस्टम दिया गया है, वो हम दिखा देते हैं आपको। सुपर फ्रिज अगर फास्ट चाहते हैं आपको ये जो है आपको कूलिंग करे तो इस पर आप इसे कर सेलेक्ट कर दीजिए, नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल पर कर दीजिए, एनर्जी सेविंग जैसे इसको आपको यूज नहीं करना है तो एनर्जी सेविंग पर कर दीजिए। ठीक है, और कन्वर्टेबल जैसे कन्वर्ट करना है इसको, जो फ्रीजर को जो है फ्रिज में कन्वर्ट करना है तो इस पर आप दे दीजिए तो कन्वर्टेबल जो है कन्वर्ट हो जाएगा, आपको जो है
जितना कूलिंग नीचे करेगा उतना ही कूलिंग ऊपर भी होने लगेगा। और यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये सब आपको जो है इसमें टफिन ग्लास मिलता है, ये सब देख लीजिए, ये सब जितना भी लगा हुआ है आपको ये टफिन ग्लास आता है, ये टफिन ग्लास है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये फूटने वाला आपको नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका एलईडी लाइट दे दिया गया है, दिखा देते हैं, इसमें आपको एलईडी लाइट दिया गया है। और आपको जो है फ्रीजर में कोई भी लाइट नहीं मिलता है, ठीक है, फ्रीजर में कोई भी लाइट नहीं मिलता है, मगर आपको फ्रिज में नीचे लाइट एलईडी लाइट यहाँ पे लगा हुआ दिख जाएगा, ठीक है, एलईडी लाइट दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ नीचे दिया गया है, यहाँ देख लीजिए कोल्डेस्ट 1 से लेके 7 तक आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना बढ़ाते जाएगा उतना ये आपको जो है कूलिंग बढ़ते जाएगा, तो 1 से लेके 7 तक आप इसमें कूलिंग अपने उपयोग के अनुसार इसमें टेम्परेचर आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका टेम्परेचर अलग से सेट कर सकते हैं, ऊपर वाला का अलग से कर सकते हैं। ये टफिन ग्लास हो गया आपको, और नीचे आपको मिल जाता है वेजिटेबल बॉक्स, देखिए नीचे दिया गया है, ये आपको वेजिटेबल बॉक्स हो गया। अब वेजिटेबल बॉक्स के अंदर देखिए एक बॉक्स और होगा, दिखा देते हैं, देखिए वेजिटेबल बॉक्स के अंदर एक और ये बॉक्स है। अब ये बॉक्स क्या चीज़ का उपयोग होता है सो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ये आपको आइस मेकर हो गया, ठीक है, इसका जो है आपको आइस मेकर ये बॉक्स है, ट्रे जैसे रहता है, और ये जो है मूविंग आइस मेकर है, देखिए इसमें पानी डाल दीजिए, देखिए इसमें पानी डाल दीजिएगा मूविंग आइस मेकर है, और ये ट्रे रहता है, ये बाहर आपको निकल जाएगा। इसमें जब बर्फ़ जमाना हो, दिखा देते हैं, इसमें जब बर्फ़ जमाना हो तब इसका आपको उपयोग करना है। तो आइस मेकर भी आपको दिया गया है, वो भी बॉक्स, तो नीचे से ये वेजिटेबल बॉक्स में रहता है आपको इसमें, ठीक है, तो इसको निकाल के आपको ऊपर में से इसमें रख देना है, तो इसमें पानी डाल दीजिएगा, मूव कर दीजिएगा, एक ट्रे बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे टेप लगा हुआ है इसीलिए। तो आइस मेकर भी आपको इसमें अलग से नया डिजाइन में आपको मिलता है। दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और इसका जो है लिंक हम अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका हम आपको प्राइस बता देते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको ये रेफ्रिजरेटर का अभी जो मार्केटिंग प्राइस चल रहा है दोस्तों, ये आपको डिस्काउंट करके यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा 29,900 रुपया में, ठीक है, 29,900 रुपया में जो है ये आपको रेफ्रिजरेटर यहाँ पे परचेस हो जाएगा। वैसे हम इसका लिंक डाल देंगे, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ते ऊपर नीचे इसका प्राइस होते रहता है दोस्तों, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अभी इसका जो है लेटेस्ट जो है इसका प्राइस 29,900 रुपया है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है रेफ्रिजरेटर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, और इसका जो है वैसे क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन था सारा फीचर्स के बारे में हम आपको बता दिए हैं, तो इस रेंज में आपको वैसे ये बेटर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि 10 साल वारंटी भी है, वो भी होम सर्विस, तो आप परचेस कर सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट करें, उसका हम आपको रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर दे देंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।